रात के 3:30 बज गए हैं। हम लोग अभी चले आए बिसोही, ये अपना यादव ढाबा। और ठीक है दोस्तों, अब खाना नहीं खाए हैं तो हमारा ये आ गया तुअर की दाल और रोटी, तो खाते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना बेस्ट लग रहा है तुअर की दाल। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में दोस्तों। और हम अभी हैं संबलपुर आरा भोजपुर होटल पे। ये है होटल और ये है हमारी गाड़ी। पहले भी आप इस होटल में वीडियो में देखे होंगे इस होटल को। हम संबलपुर पार करके इधर आ गए हैं, अब कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। शाम के 3 बज रहे हैं, जाते हैं खाना खाने। आज खाना खाने में लेट हो गया, आपको पता ही होगा पहले से ही हमारी गाड़ी में रेडी वाटर का प्रॉब्लम था। कल रात से सडनली और जोर हो गया, तो फिर हमने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर वहीं पर खड़ा करके काम करवाया। काम करवाने में लेट हो गया, वहीं 12 बज गया, फिर वहाँ से भागे भागे आए। अभी यहाँ आके दोस्तों नहाएं और चलते हैं खाना खाने। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों होटल में। लगा लो खाना। हाँ तो दोस्तों, खाना हमारा आ गया और ये है राइस प्लेट। 3-4 किस्म की सब्जी है, दाल है, पापड़ चोखा चटनी है दोस्तों। तो खाते हैं, वो खाना खाते हैं दोस्तों। खाना आ गया है, लग गया है देखिए, तो खाते हैं। वीडियो में आप बने रहिए। चावल अरवा चावल है, अरवा चावल बहुत बढ़िया होता है, खाने में अच्छा लगता है। अरवा चावल के साथ रहर का दाल होना चाहिए। तो हमारा खाना हो गया, खाना हमने खा लिया, राइस प्लेट और डबल अंडे का आमलेट। तो ठीक है दोस्तों, खाना तो हो गया, अभी आधा एक घंटा आराम करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे 5-6 बजे लाइट लगने के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि बाबू लोग आगे भी मिलेंगे इधर, तो उनसे भी बचना है। और ठीक है, आराम करते हैं दोस्तों। दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं, हम लोगों ने भी खाना वाना खा के 2 घंटा सोया। अब निकलेंगे यहाँ से दोस्तों। शीशा वीशा पूछ लिया है गाड़ी का, वो देखिए गाड़ी है, लाइट वाइट लगा लिया है, बत्ती उत्ती जला दिए हैं। अब चलेंगे दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं। सुबह होते होते जमसोला वमसोला पार हो जाए तो बढ़िया है, बंगाल में घुस जाए तो बढ़िया है, रात भर चलना होगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों कल हुआ क्या था, हम लोग वीडियो में बताए थे आपको, कल गाड़ी का रेडिएटर लीक था। लीक पहले से था और कल से ज़्यादा स्पीड हो गया। अब रात को गाड़ी चले ना, 30 किलोमीटर जाए गाड़ी और फिर गर्म हो जाए, हीट हो जाए। वो गाड़ी भी हीट होने से होता क्या है कि रेडिएटर का पानी पूरा फेंक देता है बाहर, पानी फेंक देगा और हीट हो जाएगा। अब फिर उसमें डालो, 1 बाल्टी पानी लगेगा। ऐसे करके रात भर में 2-3 बार गाड़ी गर्म हो गया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया और गाड़ी अभी चल के जाएगा नहीं कलकत्ता। ये टंकी हम लोग आज बदलवाए जो सरायपाली में, वो टंकी कलकत्ता बदलवाना था, लेकिन गाड़ी रात को 3-4 बार गर्म हो गई तो पता चल गया कि ये गाड़ी अब चल के जाएगी नहीं। उड़ीसा में घाट आता है जो कि एक एक घाट में 1-1 घंटा लगता है चढ़ने में, अगर उसमें पानी फेंक दी तो पानी कहाँ से लाएंगे। अब पानी उसमें श्योर है कि 100% फेंकेगी, क्यों घाट है, गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, फट से गर्म हो जाएगी। तो इसीलिए आज हम लोगों ने उसको रोक के सुबह में 10 बजे कंपनी खुला, 11 बजे तक पार्ट्स मिला, गाड़ी में फिट करते करते 12 बज गया सरायपाली। उसके बाद वहाँ से भागे भागे आए, यहाँ आते आते 3 बज गया, नहा धोवा के खाएं दोस्तों। तो वही हम बता रहे थे आपको कि आज हम लोग काम कराने में, कल भी काम करा रहे थे वहाँ पर, आज दूसरी काम थी, कल दूसरा काम था, आज दूसरा काम था, तो लेकिन काम हो गया। अब चलते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब गाड़ी ठीक चलेगी, तो निकलते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ गए ये मंदिर पर, बडरमा मंदिर है, वो पास में लेफ्ट साइड में मंदिर है। तो कुछ डाल दीजिए पैसा वैसा और प्रसाद ले लिए, फिर चलते हैं दोस्तों। सामने घाट आने वाला है, अब बहुत भयानक घाट है, बहुत चढ़ाई है खड़ी, तो चलते हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग जगमोहनपुर चले हैं। जगमोहनपुर ये काजी पानी के पास में है। अब यहाँ से 4-5 किलोमीटर जाएंगे तो काजी पानी घाट स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, रात को 10:45 हो रहे हैं और ये है हमारी गाड़ी। और पीछे चाय दुकान है, थोड़ा टायर वायर भी देख लेते हैं। हम लोग संबलपुर से चले और संबलपुर से इस जगह का दूरी है 170 किलोमीटर, तो 170 किलोमीटर गाड़ी टान दिए एक बार चले, तो माने शाम को 6:30 बजे चले थे और अभी 11 बज रहा है, 4-5 घंटा लग गया। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, चाय पीते हैं, चाय पी के फिर निकलेंगे
और हमको सुबह होते होते खड़गपुर तक चले जाना है रातों रात, क्यों इधर थोड़ा आरटीओ का प्रॉब्लम रहता है उड़ीसा में, तो रातें रात अगर गाड़ी चली जाएगी खड़गपुर तो बच जाएगा सब, कहीं जाम जुम ना मिला तो चली जाएगी गाड़ी, अगर जाम मिला तो ही प्रॉब्लम है। आगे सिंगल रोड है, कुछ कुछ जगह बरसात के टाइम में रोड ख़राब हो गया है तो उसके चलते जाम लग रहा है, अगर जाम नहीं होगा तो फिर गाड़ी चली जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, चाय पीते हैं और चलते हैं। यह है चाय दुकान छोटी सी, और चाय पीते हैं दोस्तों। ये ड्राइवर भाई सोए हैं, ड्राइवर आराम कर रहे हैं भाई, हमारे ड्राइवर भाई थके हारे, अब आपको तो मालूम ही है ड्राइवर भाई को खटनी कितना है। तो चाय पीते हैं दोस्तों, चाय दीजिए। ये नमकीन लिया दोस्तों, नमकीन खा रहा हूँ, चाय के साथ नमकीन खाने से बढ़िया लगता है। और ये नमकीन उड़ीसा बंगाल बिहार इधर ही मिलता है, बाकी उधर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में नहीं मिलता ये वाली नमकीन। समोसे जैसा इसका एकदम शेप है। दीजिए चाय दीजिए। ये चाय मिल आ गया दोस्तों, चाय पीता हूँ। काजी पानी के पास है ये टूल टैक्स, ये शायद 500 कुछ रुपए लगता है इस टूल में। तो दोस्तों रात के 3:30 हो रहे हैं, हम लोग दोस्तों अभी चले आए बिसोही, वही अनिल यादव ढाबा। अनिल 3 बज गए हैं, हम लोग अभी चले आए बिसोही, ये अपना यादव ढाबा। और ठीक है दोस्तों, अब खाना नहीं खाए हैं तो खाना खाते हैं और यहाँ से जाएंगे नहीं, टाइम 3:30 बज गया है, खाना खा लेते हैं, अब यहाँ सोएंगे 10 बजे तक, उसके बाद दिन में उठेंगे तो फिर जाएंगे। सामने क्या आरटीओ का डर है, और आरटीओ सुबह सुबह ही 4:30-5 बजे मिलेगा, तो जाते जाते फंस जाएंगे, बेकार का पैसा लग जाएगा, गाड़ी आगे कल खाली होने वाला नहीं है, गाड़ी का परसों खाली होगी। तो ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारा ये आ गया तुअर की दाल और रोटी, तो खाते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना बेस्ट लग रहा है तुअर की दाल, थोड़ा मिर्ची देना, खाते हैं दोस्तों। ये हमारा खाना आ गया है, तुअर की दाल और रोटी, और पूरा प्लेट भर के ये एक थाली दिया हुआ है दाल, बेस्ट है, ऐसा दाल लगना चाहिए, तुअर की दाल का मिठास होना चाहिए, दाल खाते टाइम मीठा लगना चाहिए, फिर दाल अच्छी लगती है। ये देखिए दोस्तों, हमारा खाना हो गया और सुबह के 4 बजने लगे, तो चलते हैं दोस्तों, खाना वाना खा लिया, अब सोते आराम करते हैं और मिलेंगे कल। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।